www.meannewsmenu.com www.meannewsmenu.com में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे केसरिया खीर। केसरिया खीर बनाने के लिए हम लेंगे फुल क्रीम दूध 1 लीटर, बादाम, काजू, किशमिश, नारियल कद्दूकस किया हुआ और पिस्ता, इन सबको हमने 10-10 ग्राम लिया है। टुकड़ा चावल 50 ग्राम, चीनी 100 ग्राम या स्वाद अनुसार, छोटी इलायची 5 पिसी हुई, 10 से 15 केसर पत्ती। अब हम शुरू करते हैं केसरिया खीर बनाना। सबसे पहले हम चावल को धो के 10 मिनट के लिए भिगो लेंगे। दूध को किसी पतीले में या कढ़ाई में डाल लेंगे और गैस जला लेंगे। दूध में एक उबाल आने के बाद हम इसमें भिगे हुए चावल पानी निकाल के डालेंगे। दूध को हमने फुल आंच में उबाल लिया है, अब हम आंच मीडियम कर देंगे और इसमें चावल डाल देंगे। इसके साथ ही हम इलायची पाउडर डालेंगे और केसर डाल लेंगे। इन सबको मिक्स करने के बाद हम आंच को मीडियम कर लेंगे और 20 मिनट तक पकाएंगे। बीच बीच में हम 3-4 मिनट के बाद खीर चलाते रहेंगे और इसके साइड पे जमने वाली परत को उतारते रहेंगे। खीर को पकाते हुए 20 मिनट हो गए हैं। गैस को हम थोड़ा सिम कर देंगे और चावल को थोड़ा थोड़ा सा करछी से प्रेस करते हुए दबा देंगे। इसके बाद हम इसमें चीनी डालेंगे और ड्राई फ्रूट डाल देंगे। खीर हम बिना केसर के बना सकते हैं और ड्राई फ्रूट जो हमारे घर में अवेलेबल है या जो हमें अच्छे लगते हैं वो डाल सकते हैं। अब खीर को 10 मिनट के लिए सिम गैस पे पकाएंगे। 10 मिनट हो चुके हैं, हमारी खीर बनके तैयार है। गैस हम बंद कर देंगे। खीर को हम गर्म गर्म भी सर्व कर सकते हैं और अगर हम फ्रिज में ठंडा करके सर्व करेंगे तो ये और भी खाने में टेस्टी लगेगी। खीर को बाउल में डालने के बाद हम इसे ड्राई फ्रूट और केसर से गार्निश करेंगे। 1 किलो दूध से 3 से 4 लोगों के लिए खीर बनके तैयार है। मेरी केसरिया खीर की रेसिपी एक बार घर पर जरूर ट्राई कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।